उनकी शरारतें, मासूम बातें, खिलखिलाती हंसी के साथ मैं खुद भी हंसती रही, लेकिन मेरा ध्यान मुसलसल आफंदी की तरफ रहा। गो के वो अब अकेले नहीं थे, उनके साथ सालार भी था, फिर भी मुझे लगा कि जैसे मैं उन्हें तन्हा छोड़ आई हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तीसरे दिन मैं सुबह ही अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अम्मी ने ज़बरदस्ती शाम तक रोक लिया। उनका कहना भी ठीक था कि जब आफंदी से 3 दिन का कहकर आई हो तो उसूलन आज शाम में उन्हें खुद आना चाहिए। गो के मैं ऐसी बातों को अहमियत नहीं देती और शायद आफंदी भी, फिर भी दुनियादारी तो निभानी ही पड़ती है। दोपहर में मैंने सोचा आफंदी को ऑफिस फ़ोन करके शाम में आने के लिए कह दूँ, क्योंकि उनके साथ मैंने कुछ तय नहीं किया था। लेकिन फिर अचानक किसी ख्याल के तहत मैंने फ़ोन करने का इरादा तर्क कर दिया। मैं देखना चाहती थी कि आया उन्हें कितना ख्याल है और उनकी आजमाइशों के चक्कर में मैं खुद परेशान हो गई। दिल को धड़का लग गया कि अगर वो नहीं आए, और इन लम्हों में मुझ पर इदराक हुआ कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत ही में तो अंदेशे और वसवसे जन्म लेते हैं, और जाने कैसे अंदेशों में घिरी कि सरे शाम ही हिना और नौमी के साथ बरामदे में आ बैठी, और जब मैंने उन्हें बताया कि आज मैं अपने घर जा रही हूँ तो दोनों मेरी मिन्नतें करने लगे। आज नहीं जाएं फूफो, बेटा वहाँ आपके अंकल अकेले हैं, मैं फिर आऊँगी, मैंने प्यार से दोनों के गाल को छूकर कहा। तभी भाभी आ गईं और मुझे बच्चों के साथ देखकर कहने लगीं, तुम्हारे आंगन में भी अब फूल खिलने चाहिए सूबी, कितना अरसा हो गया है तुम्हारी शादी को। कोई इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, मैंने टालने की गर्ज से यूं ही कह दिया तो भाभी मेरे पास बैठती हुई संजीदगी से बोली, लापरवाही से बातें मत उड़ाया करो, इस मामले में लापरवाही करके तुम सरासर अपना ही नुकसान करोगी। क्या तुम्हें बच्चे अच्छे नहीं लगते? बच्चे किसे अच्छे नहीं लगते, मैंने बेख्तियार नोमी को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया तो भाभी कुछ देर तक खामोशी से मुझे देखती रहीं, फिर कहने लगीं, ऐसा मत करो, आजकल मैं तुम्हें अपनी गायनी के पास ले चलूंगी। मैं कुछ नहीं बोली इससे पहले कि भाभी मजीद कुछ कहती, नोमी को गुदगुदा कर हंसाने लगी। भाभी समझ गईं कि मैं उनकी बात टाल रही हूँ, खदरे तवक्कुफ के बाद पूछने लगीं, सनिया के खत वगैरह आते हैं? फ़ोन भी करती है, मैंने नोमी के साथ मसरूफ़ रहकर जवाब दिया। इसी वक्त बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो मेरा दिल यकबारगी ज़ोर से धड़का। मैं गेट की तरफ देखती हुई हिना से बोली, हिना जाओ गेट खोलो, तुम्हारे अंकल आए हैं। हिना तख्त पोश से उतरकर भागती हुई गई और गेट खोलने लगी तो मैं कसदन इधर से नज़रें हटाकर कुछ अनजान सी बन गई। जब आफंदी ने करीब आकर सलाम किया तब मैंने उन्हें देखा तो फौरन पूछने लगे, क्या प्रोग्राम है, आप पहले बैठे तो? मुझसे पहले भाभी बोल पड़ी और उठकर उनके लिए कुर्सी खींचकर सामने की तो वो बैठते हुए बोले, थैंक यू। फिर मुझे यूं देखा जैसे कह रहे हों कि चलें, और मैं नोमी को गोद से उतारकर उठ खड़ी हुई तो भाभी जाने क्या समझी, कहने लगी, अरे नहीं तुम बैठो, चाय मैं लेकर आती हूँ। नहीं भाभी प्लीज़ रहने दें, आफंदी ने मना किया लेकिन भाभी चली गई। फिर चाय के दौरान भैया भी ऑफिस से आ गए और अम्मी नमाज से फारिग होकर आ बैठी तो उन्होंने रात के खाने तक रुकने पर बहुत इसरार किया, लेकिन आफंदी सहूलत से माजरत करते रहे। चाय के बाद कुछ देर बैठे, फिर मुझे चलने का इशारा किया तो मैं अम्मी से इजाज़त लेकर उठ खड़ी हुई। मेरा ख्याल था कि आप मुझे भूल गए होंगे, मैं शाम से जिन अंदेशों में घिरी थी गालिबन उन्हीं के पेश नज़र। गाड़ी में बैठते ही मैंने उनसे पहली बात यही की तो वो हैरान होकर बोले, ये ख्याल क्यों आया तुम्हें? पता नहीं लेकिन आया ज़रूर। मेरे सीधे सादे अंदाज पे वो ज़रा सा मुस्कुराए, फिर गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बोले, कोई अपनी चीज़ भी भूलता है, और मेरे अंदर बाहर यहाँ वहाँ हर तरफ धनक रंगों की बरसात उतर आई थी। कितना मुभिम सा इजहार था, घर आने तक मैं इन चंद लफ्ज़ों के सहर में गिरफ्तार रही। आप कहाँ चली गई थी? मैं जैसे ही लाउंज में दाखिल हुई सालार ने मुझे देखकर यूं पूछा जैसे मुसलसल मुझे खोजता रहा हो। उफक के उस पार, मैंने खुलती हुई मुस्कुराहट के साथ कहा तो पूछने लगा,
किसके साथ? जाहिर है आफंदी के साथ, अभी वो मुझे वहीं से लेकर आ रहे हैं। मैंने कहते हुए पीछे मुड़कर देखा तो आफंदी आ रहे थे। जैसे ही मेरे करीब आए, सालार अपनी जगह से उठता हुआ बोला, सर ये आपने बहुत अच्छा किया, खातून खाना को ले आए, इनके बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा था। आफंदी की आवाज़ सिर्फ मैंने सुनी और इन दोनों को वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई। अभी कुछ देर पहले आफंदी के मुबहिम से इजहार ने मुझे जितना सरशार किया था, अब इतना ही सालार का बेसाख्ता और बरमिला इजहार परेशान कर रहा था। इनके बिना घर बहुत सूना लग रहा था और फिर ज़िंदगी का सारा सुकून दरहम बरहम हो गया। मुतजाद कैफियत ने मुझे बेहद डिस्टर्ब कर दिया और ये सारी डिस्टर्बेंस जाहिर है सालार की वजह से थी, जिसकी बातों बल्कि हर अंदाज से भरपूर ज़िंदगी का एहसास मिलता था और मैं चाहती भी तो उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो इसी घर में मेरे आसपास रहता था। ऐसे लम्हों में जब मुझ पर उकताहट या बेजारी सवार होती तो वो अपनी बातों से मुझे खिलखिलाने पर मजबूर कर देता, और किसका दिल नहीं चाहता हंसने बोलने को। फिर तो वो इस घर का फ़र्द था और अभी तक किसी शिकायत का मौका भी नहीं दिया था। मैं जो कहती बड़े आराम से मान लेता, बिल्कुल किसी सादतमंद बच्चे की तरह, लेकिन किसी वक्त यूं होता कि वो अचानक मुझ पर हावी हो जाता। ऐसे ही लम्हों में मैं परेशान हो जाती तो भागकर आफंदी की पनाहों में छुपने की कोशिश करती। बड़ी मजबूत पनाहगाह थी, गैर मामूली तहफ्फुज का एहसास बख्शती हुई, लेकिन इस पनाहगाह में आने से पहले बहुत सी आरजुओं को भेंट चढ़ाना पड़ता था। इसका एहसास मुझे एक बार पहले खुर्रम की आमद से हुआ था। अब सालार आज शाम में ही कैसे बज़ाहिर सरसरी अंदाज में पूछ रहा था, आपकी शादी आपकी मर्ज़ी से हुई या घर वालों ने ज़बरदस्ती की थी? सरासर मेरी मर्ज़ी है, मैं फौरन बोली थी। वाकई क्या आपको अपनी पसंद नापसंद बनाने का इख्तियार हासिल था? वो बेहद हैरान हुआ और मैं समझी नहीं, जब ही गर्दन अकड़ा कर बोली थी, जनाब मेरी फैमिली को इतनी बैकवर्ड नहीं है, फिर आपने इस शादी पर एतराज़ क्यों नहीं किया? उसके उलझने पर मैं समझी थी कि वो क्या कहना चाहता है। तब पहले ज़रा सा हंसी, उसके बाद कहा था, तुम ये कहना चाहते हो ना कि आफंदी मुझसे बहुत बड़े हैं, तो ऐसा है कि मुझे हमेशा से मैच्योर लोग पसंद रहे हैं, इसीलिए जब शादी की बात आई तो मैंने तुम्हारे जैसों को छोड़कर आफंदी का इंतखाब किया है। ऐसे मौक़ों पर जब वो कुछ जताना चाहता था तो मैं बदला ज़रूर लेती थी। जब ही तुम्हारे जैसों कहा तो चीख कर बोला था, आपको पता ही नहीं कि मेरे जैसे ज़िंदगी में कैसे रंग भरते हैं। कैसे? मैंने हंसते हुए यूं ही शरारत में तो कहा। जवाबन उसने अचानक मेरा हाथ थामकर अपनी तरफ खींच लिया, बस एक पल। उसके बाद फौरन एहसास होने पर वो मेरा हाथ छोड़कर खुद ही पीछे हट गया, लेकिन उसकी एक पल की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैं अभी तक उससे निकल नहीं पाई। बहुत चाहा बेखबर सोए आफंदी के सीने में मुंह छुपा लूं कि यही मेरी पनाहगाह थी, लेकिन उससे पहले जिन आरजुओं की भेंट चढ़ाना था वो सब उस एक पल की गिरफ्त में आकर मेरे मुकाबिल डट गई थी। जाने कितनी रात बीत गई थी, ज़हनी इंतशार के बायस मेरा सर दस से फटने लगा, आँखों के पपूटे अलग भारी हो गए थे। बहुत धीरे से आफंदी का हाथ थाम कर मैंने अपनी आँखों पर रख लिया तो यूं लगा जैसे दहकते अंगारों पर नरम नरम फुवार परसने लगी हो, और आफंदी को शायद तपिश का एहसास हुआ। वो फौरन उठ गए और मेरी आँखों पर रखा अपना हाथ ज़रा सा नीचे कर मेरा चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए तश्वीश से बोले, सूबिया तुम्हें बुखार हो रहा है, तुमने बताया नहीं? और मेरी आँखों में इस रवानी से पानी उतरा के किनारों से झलक गया। हाँ, वो बहुत नरमी से मेरे आंसू समेट कर बोले, ठहरो मैं कोई टैबलेट देखता हूँ। नहीं, मैं सोना चाहती हूँ, मैंने करवट बदल कर उनके सीने में मुँह छुपा लिया।
सुबह तक मेरा बुखार तेज़ हो चुका था, आफंदी ने मुझे उठाया नहीं और जब मैंने खुद से उठी काफ़ी दिन चढ़ आया था। आफंदी कमरे में ही मौजूद थे, मुझे उठते देखकर कहने लगे, मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है, आने वाले होंगे, तुम जब तक नाश्ता कर लो। नहीं नहीं मैं बस चाय पीऊँगी, मैं तकिया सीधा करके उसके साथ कमर टिका कर बैठती हुई बोली, तो वो खुद ही चाय लेने चले गए। वापस आए तो चाय के साथ बॉयल अंडा भी था, जिसे खिलाने के लिए उन्हें इसरार नहीं करना पड़ा, क्योंकि जहाँ इसरार की बात आई वहाँ वो रोब से काम लेते थे और मैं फौरन मरूब भी हो जाती थी। ये शख्स अपनी मनवा लेता है और मेरी मान लेता है, ज़िंदगी में इसके अलावा भी तो कुछ है मानने और मनवाने का दरमियानी अरसा। मैंने चाय पीते हुए सोचा, तभी मुलाजिम ने आकर डॉक्टर के आने की इत्तला दी तो आफंदी जाकर डॉक्टर साहब को अंदर ले आए। चेकअप के बाद उन्होंने मेडिसिन लिखकर दी और आफंदी के पूछने पर टेंशन बताया तो उन्होंने चौंक कर मुझे देखा, जिससे मैं अंदर ही अंदर सहम सी गई। अगर उन्हें मेरे ज़हनी इंतशार का सबब मालूम हो गया तो? फिर डॉक्टर के जाने के कुछ देर बाद उन्होंने मुलाजमा को बुलाकर मेरे खाने और दवा से मुतालिक हिदायत दी और मुझे मुकम्मल रेस्ट की ताकीद करते हुए ऑफिस चले गए। मेडिसिन लाने के लिए उन्होंने खानसामा को भेज दिया था। मैं कितनी देर तक खुद को अखबार में मसरूफ़ रखती रही, फिर जब थक गई तो सो गई। अभी साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने आपके खाने का और दवा का पूछा और जब मैंने उन्हें बताया कि आप इस वक्त सो रही हैं तो बहुत नाराज़ हुए, कहने लगे कि फौरन उठाकर पहले कुछ खिलाओ फिर दवा दो। मैंने तो बीबी बस अपनी बकवास बंद करो, मैंने उसकी चलती हुई ज़बान के सामने बंद बांध दिया। फिर उठते हुए पूछा, खाने में क्या है? मैंने आपके लिए सूप बनाया है, साहब कह के गए थे, ले आओ साथ में दो स्लाइस भी। उसे भेज कर मैंने वॉशरूम का रुख किया। पानी में हाथ डालते ही मुझे सर्दी लगने लगी, जल्दी से दांत ब्रश करके दोबारा कंबल में आ बैठी। कुछ देर बाद मुलाजमा सूप और स्लाइस ले आई, मुझे भूख लग रही थी इसलिए अच्छा ना लगने के बावजूद मैंने ज़बरदस्ती दोनों स्लाइस खा लिए और सूप भी पी लिया। फिर थोड़ा वक्फा देकर मेडिसिन भी ले ली। मुलाजिमा इसी इंतज़ार में थी और मुझे खुद भी एहसास हुआ कि सिर्फ मुझे खाना देने के लिए वो रुकी हुई थी, वरना तो वो जल्द ही चली जाती थी। मैंने बग़ैर किसी पसोपेश के उसे जाने की इजाज़त दे दी और कॉर्नर से मैगज़ीन उठाकर अपना सारा ध्यान उसमें लगा दिया। पता नहीं ये मेरी शऊरी कोशिश थी या गैर शऊरी, या शायद मेरे अंदर का खौफ था। मैं कुछ और सोचना नहीं चाहती थी इसीलिए एक एक लफ्ज़ पढ़ने लगी। पता नहीं कितने लम्हे बीते या शायद घंटे के अचानक खामोशी में भारी कदमों की आवाज़ पर मेरा तसलसल टूट गया। हकीकतन ये पहली बार मुझे आफंदी का ख्याल आया और इसी ख्याल के तहत मैं मैगज़ीन से नज़रें हटाकर दरवाज़े की तरफ देखने लगी। तभी दस्तक के बाद ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर सालार ने अंदर झांका और मुझे बैठे देखकर अंदर आता हुआ बोला, सुबह अंकल ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम सॉरी, मैं उस वक्त आपकी इयादत किए बगैर चला गया। अब कैसी हैं आप? मैंने कोई जवाब दिया ना उस पर से नज़रें हटाईं, क्योंकि मेरा वजूद जैसे पत्थर हो गया था और मेरी खामोशी से ज़्यादा बराहे रास्त नज़रों से वो कुछ घबरा कर बोला, कल शाम में तो आप ठीक थी, फिर अचानक क्या हुआ? और मेरा दिल चाहा कि एक ही जस्ट में उस तक पहुँच कर उसका गरेबान पकड़ कर चीखूँ, तुम नहीं जानते कि अचानक क्या हुआ, ये सब किया धरा तुम्हारा है। लेकिन कमाल जब से अपने अंदर के शोर को दबा कर मैं बेनियाज सी हो गई। पता नहीं शायद सर्दी लग गई, तुम जाओ खाना वगैरह खाओ, मैंने नज़रों का जाविया बदल कर कहा तो वो हैरान होकर बोला, खाना? ये खाने का कौन सा वक्त है, क्या टाइम हुआ है? मैंने घड़ी देखी, 4 बज रहे थे। इसी हिसाब से वो पूछने लगा, आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, कोई और चीज़, आई मीन फल वगैरह? वो भी नहीं। तो फिर ऐसा करें, मैं सिर्फ आराम चाहती हूँ। वो पता नहीं क्या कहने जा रहा था कि मैं फौरन बोल पड़ी। उसने गहरी सांस खींचकर कंधे उचकाए, नेकी का तो ज़माना ही नहीं है, मैं सिर्फ आपकी सेवा करने के ख्याल से भागा चला आया। बहरहाल आज की तारीख में मैं आपको भला चंगा हो जाना है, सुबह नाश्ते की टेबल पर आप नहीं थी तो।
सालार मुझे गेट लॉस्ट कहने पर मजबूर मत करो, मैंने टोक कर कहा तो वो हंसता हुआ चला गया। फिर अगले दो दिन मैं कसदन अपने कमरे तक महदूद रही। इस दौरान मैंने अपने आप को समझा लिया कि मुझे ऐसी बातों को खुद पर तारी नहीं करना चाहिए और ना ही सालार को ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है। तीसरे दिन शाम में जब आफंदी ऑफिस से आ गए तब मैं अपने कमरे से निकल आई, क्योंकि पहले दिन के बाद वो दोबारा मुजाज पुरसी के लिए भी मेरे कमरे में नहीं आया था, इसीलिए उस वक्त मुझे देखते ही पूछने लगा, आपकी तबीयत कैसी है? मैंने बस सर हिलाने पर इक्तफा किया। फिर वहीं से रईस को पुकार कर चाय का कहा तो उसके बाद आफंदी के पास आकर बैठ गई तो वो कहने लगे, आज भाई साहब का फ़ोन आया था, कुछ नाराज़ लग रहे थे, अगर तुम बेहतर महसूस कर रही हो तो चलें। चलें, मैंने फौरन हामी भर ली तो मुझे देखते हुए बोले, कोई गर्म कपड़ा वगैरह पहन लो, बाहर हवा बहुत सर्द है। मैं बग़ैर किसी पसो पेश के उठकर अपने कमरे में आ गई, अलमारी में से स्वेटर निकाल कर पहना, फिर शॉल भी ले ली। आईने में अपना जायज़ा लेकर वापस आई तो दोनों चाय पी रहे थे। वो देखते ही पूछने लगा, आपके लिए चाय बनाऊँ? नहीं, रहने दो, चलें आफंदी। मैंने उसे जवाब देकर आफंदी से कहा तो वो कप ट्रे में रखकर उठ खड़े हुए। वाकई अंदर तो पता ही नहीं चल रहा था, बाहर निकलते ही सर्दी का एहसास हुआ और मैं क्योंकि बीमारी से उठी थी इसलिए और भी ज़्यादा महसूस हो रही थी। भाई साहब के घर हम बहुत देर बैठे, रात का खाना भी वहीं खाया। उनकी बेटी आयशा जो खुर्रम से छोटी थी वो भी ससुराल से आई हुई थी और उससे छोटी बेला बीए में पढ़ रही थी। दोनों बहनों के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बल्कि मैं बड़े आराम से बैठी थी। आफंदी को टोकना पड़ा कि घर नहीं चलना क्या? तब मैं हंसती हुई उठ खड़ी हुई और आते हुए बेला से कहा कि वो कुछ दिन मेरे पास आकर रहे, उसने सेमेस्टर के बाद आने का वादा किया। फिर घर आते ही आफंदी सोने के लिए अपने कमरे में चले गए और मैंने आदत के मुताबिक पहले किचन में झांका, क्योंकि पिछली तरफ खुलने वाला दरवाज़ा उमूमन खानसामा बंद करना भूल जाता था। उसे चेक करने के बाद मैं लाउंज में आई और कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूं। घड़ी पर नज़र डाली, अभी सिर्फ 10 बजे थे। सर्दी की वजह से लग रहा था कि जैसे बहुत रात बीत गई हो, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर टाइम देखकर तो मैं और भी मुतमईन हो गई, टीवी ऑन कर बैठ गई। तवील दौरानी का खेल था, वो भी मेरे फेवरेट स्टार्स का, जो कि कितने अरसे के बाद एक साथ नज़र आ रहे थे और ज़ाहिर है अब टीवी के सामने हटने का सवाल ही नहीं था। बल्कि मैंने सैंडल उतार दी और पैर ऊपर करके पूरी सोफे में धस गई, फिर शॉल खोलकर अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट ली। ऐसे ड्रामे में पहले भी इसी तरह ज़ौक़ शौक से देखती थी और अगर दरमियान में कोई बोलता तो मुझे सख्त नागवार गुजरता था। खुसूसन हिना इस वक्त बहुत छोटी थी और मैं भाभी से कहती कि पहले से सुला कर आएँ। खैर, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं था। आफंदी को सिरे से ड्रामे से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। मैं पूरी यकसुई से ड्रामा देख रही थी कि अचानक अकाब से सालार की आवाज़ ने मुझे यूँ चौंका दिया कि मैं अपनी जगह से ही उछल पड़ी। हालाँकि वो बहुत सीधे सादे अंदाज में बोला था कि आप अभी तक जाग रही हैं, लेकिन एकदम से आवाज़ आई थी इसीलिए मैं पूरी तरह चौंक गई। वो सामने से आता हुआ बोला, अरे आप तो डर गई, तुम्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए था। मैंने नागवारी से कहा, किस तरह से? उसने अनजान बनकर पूछा तो मैं सर झटक कर टीवी पर नज़रें जमाती हुई बोली, बस अब खामोश रहो, मैं ड्रामा देख रही हूँ। उसने एक नज़र टीवी पर डाली फिर मुझे देखने लगा तो मैंने कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन कुछ देर बाद मुझे उलझन होने लगी क्योंकि जिस तरह मैं टीवी पर नज़रें जमाए बैठी थी इसी तरह वो मुझ पर नज़रें मरकूज किए हुए था और यकीनन इसका मकसद मेरी तवज्जो हासिल करना था और मैंने अपनी तरफ से उसकी तवज्जो हटाने को कहा, ड्रामा देखो, ज़बरदस्त मौजू है, मैं ड्रामा नहीं देखता, तो फिर मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं बेख्तियार कह गई तो हैरान होकर बोला, मैं आपको डिस्टर्ब कहाँ कर रहा हूँ, आपके कहने से बिल्कुल खामोश था, अभी आपने ही बात की है तो। अच्छा बस अपने कमरे में जाओ, मैंने चिढ़कर कहा, नहीं मैं तो यहीं बैठूँगा। उसने कुछ हठधर्मी का मुजाहरा किया तो मैं उठ खड़ी हुई और टीवी बंद करने के इरादे से आ
आगे बढ़ी तो उसने मेरी कलाई थाम ली। ड्रामा तो पूरा देख लें, मेरा हाथ छोड़ो। उसकी बेसाख्ता जिसारत ने मुझे पूरी जान से सुलगा दिया और मैं कुछ ऐसे तीखे लहजे में बोली कि जिससे वो फौरन मेरा हाथ छोड़ दे, लेकिन उसके बरअक्स वो ज़िद में आ गया। छुड़ा सकती हैं तो छुड़ा लें। देखो सालार, मैं ऐसी बदतमीज़ी पसंद नहीं करती। मेरे इंतहाई गुस्से के बावजूद वो बड़े आराम से बोला, आप पसंद करें ना करें, हम तो ऐसे ही होते हैं। मैं होंठ बींच कर खुशमगी नज़रों से घूरने लगी तो शरारत से बोला, बाप रे इतना गुस्सा, ऐसी नज़रों से आफंदी अंकल को देखें तो। शट अप, मैं झटके से कलाई छुड़ाकर पीछे हटते हुए बोली, आफंदी तुम्हारी तरह नहीं है, हो भी नहीं सकते। मैंने पेशानी पर बेशुमार शिकने डालकर देखा तो फौरन वजाहत करता हुआ कहने लगा, मेरा मतलब है जब वो मेरी उम्र के थे तब भी वो ऐसे ही थे, अब तो बेचारे बूढ़े हो गए। उफ़, मेरा वजूद बर्फ़ हो गया, पेशानी की लकीरें आप ही साफ़ हो गईं और मैं बेहद खामोश नज़रों से उसे देखने लगी जो आफंदी को बूढ़ा कहने के बाद अब उन पर रश कर रहा था। बहुत लकी हैं अंकल, अभी भी हम जैसों को मात दे गए है ना। अचानक उसने मेरी आंखों में अपनी आंखें उतार कर पूछा तो मेरे पूरे वजूद में जैसे अंगारे भर गए। बहुत तपिश थी, यहाँ वहाँ हर तरफ जाने कैसा अलाव था। मेरा दिल चाहा मैं नंगे पांव इस दहकते अलाव में उतरती चली जाऊँ और जब मैं इसमें से निकलूँ तो मेरा वजूद चांदी से सोना हो। बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ से रुख मोड़ कर मैंने टीवी का बटन ऑफ किया और फिर जैसे ख्वाब में चलती हुई अपने कमरे में आ गई। सुबह नाश्ते की टेबल पे मैं गुमसुम थी जबकि वो सर झुकाए नाश्ता करने में मसरूफ़ था और नाश्ते के साथ अखबार पढ़ने में मसरूफ़ होने के बावजूद आफंदी ने गालिबन मेरी गैर मामूली खामोशी को महसूस किया। जब ही अखबार एक तरफ रख कर उन्होंने पहले एक नज़र उस पर डाली फिर पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जो होकर बोले, क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों हो। उन्होंने चुपचाप का रोज़ा रखा है, मुझसे पहले वो बोल पड़ा। लेकिन आफंदी अक्सर नज़रअंदाज कर गए और नरमी से मेरी कलाई पर हाथ रखकर गालिबन देखने लगे कि कहीं मुझे बुखार तो नहीं हो गया। साथ ही पूछा, तबीयत ठीक है ना। मैं कुछ नहीं बोली और जिस तरह उन्होंने नरमी से मेरी कलाई पर हाथ रखा था इसी तरह बहुत ही नरमी से मैंने उनकी उंगली थाम कर उनका हाथ परे हटा दिया। फिर कुर्सी धकेल कर उठते हुए यूं ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, वो अपनी जगह साकित हो गया था और फिर हमारे दरमियान एक नादीदा दीवार आन खड़ी हुई। अगर उसे एहसास हुआ था तो बहुत देर हो गई थी कि अपने जैसों की अहमियत जताते हुए जो अलाव उसने मेरे अंदर दहकाया था उसकी तपिश से वो खुद भी महफूज नहीं रहा था। मैंने उसे चैलेंज तो नहीं किया था, बस अपने आप हो गया और अब कोई राह फरार नहीं थी। आफंदी की पनाहों में छुपकर भी मुझे शांति नहीं मिलती थी। मैं खुद को मलामत करते करते थक जाती तो तकिए में मुंह छुपाकर चुपके चुपके रोने लगती। उस रात मैं यूं ही आंसू बहा रही थी कि अचानक आफंदी ने मेरा बाजू थाम कर मुझे अपनी तरफ मोड़ कर, उनकी आंखें बंद थी, मैंने जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ किए और मेरे हाथों की हरकत से उन्होंने ज़रा सी आंखें खोलकर देखा तब उन्हें मेरे रोने का पता चला। कुछ हैरान होकर बोले, क्या बात है, तुम रो रही हो। और मैंने चाहा कि उनके सीने में मुँह छुपा लूँ लेकिन इससे पहले उन्होंने मेरे बालों में उंगलियाँ फंसा कर मेरा चेहरा ऊंचा किया फिर अपनी बात दोहराई, क्या बात है। मैंने नफ़ी में सर हिलाया कि जैसे कोई बात नहीं, फिर रो क्यों रही हो। पता नहीं बेवकूफ़ सालार ने कुछ कहा है। नहीं, और इस बार नहीं कहते हुए मेरी आंखों में जो पानी उतरा उसे उन्होंने बगौर देखा फिर कोई सवाल नहीं किया, उठकर बैठे और कॉर्नर से सिगरेट उठाकर सुलगाने लगे तो मैं जाने क्यों अंदर ही अंदर डर गई, कहीं मेरे आंसुओं ने मेरे अंदर आशना तो नहीं कर दिया उन्हें। सुबह छुट्टी का दिन था, नाश्ते के बाद आफंदी लाउंज में सालार के साथ बैठे जाने कौन सा मौजू
छेड़े हुए थे और उस दिन के बाद से मैंने खजदन ला सालार से गुरेज किया। वो खुद भी जहां मुझे देखता कतरा कर निकल जाता, लेकिन उस वक्त महज इस ख्याल से कि कहीं आफंदी महसूस ना करें या शायद मेरे दिल का चोर था जो उन्हें मुझे उनके पास ले आया। आफंदी, दोपहर के खाने में क्या खाएंगे? मुझे और कुछ नहीं सूझा तो खाने का पूछ लिया। उन्होंने खदरे तवक्कुफ के बाद उसकी तरफ इशारा किया और बोले, सालार से पूछो ये क्या पसंद करता है। नो सर, मैं खाने पर मौजूद नहीं होऊंगा। उसने शायद मुझे मुश्किल से बचा लिया। क्यों? आफंदी के इस्तफसार पर कहने लगा, बस ज़रा घूमने फिरने का प्रोग्राम है। घूमने फिरने का प्रोग्राम खाने से क्या ताल्लुक है? कहीं भी जाओ खाना घर आकर खाना। आफंदी ने उससे कहा तो फौरन मुझे देखते हुए पूछने लगे, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जी मैं वाकई नहीं समझी, और इससे पहले कि वो वजाहत करते फ़ोन की बेल ने उनकी और मेरी तवज्जो भी खींच ली। उन्हें उठने पर आमादा ना देखकर मैं लॉबी में आ गई, रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ सनिया थी, मेरी आवाज़ सुनते ही बग़ैर सलाम दुआ के खनकती हुई आवाज़ में बोली, सूबी में माँ बन गई हूँ। इसके जुमले पर मैं बेसाख्ता हंस गई। सच क्या हुआ है? तुम बूझो, लेकिन 10 सवालों से ज़्यादा नहीं। वो गालिबन खुशी से बौखलाई हुई थी। मैं चीख पड़ी, दिमाग सही है तुम्हारा? बेटा या बेटी, ये 10 सवाल कहाँ से आ गए? भाई पहले इसका रंग रूप पूछो, फिर ये कि किस पर गया है, उसके बाद बस मैं समझ गई। बेटा है, मुबारक हो, मैंने टोक कर कहा तो वो हंस पड़ी और फिर पूछने लगी, पापा कहाँ हैं? घर पर हैं, बुलाऊं? नहीं, उनसे फिर बात करूंगी, बल्कि मैं खुद आ रही हूँ। सच, कब आ रही हो? इसी हफ्ते। ईमान से सनिया, तुमने खुश कर दिया, वरना मैं तो, मैंने एकदम निचला होंठ दांतों में दबा लिया। क्या बात है, पापा के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तुम्हारी? मेरी अधूरी बात पर वो जो समझी उसी हिसाब से पूछने लगी तो मैं बात ही बदल गई। बच्चा कैसा है? बहुत प्यारा, बिल्कुल अपने नाना पर गया है, उसने बहुत खुश होकर बताया। और फौरी तौर पर मैं समझी नहीं, जब ही उलझ कर बोली, नाना? जनाब, आप मेरे बच्चे की नानी अम्मा कहलाएंगी, उसने कहा तो मुझे हंसी आ गई। हाँ, अम्मा बनी नहीं, नानी अम्मा बन गई। देख लो मैंने तुम्हें क्या क्या बना दिया है, उसने अकड़ कर कहा तो जाने क्यों मैं चुपसी हो गई और खुदा हाफिज कहे बगैर रिसीवर रख दिया। फिर खुद पर काबू पाने में मुझे कुछ वक्त लगा। उसके बाद लाउंज में आई तो आफंदी को अकेले देख कर शुक्र किया और उनके सामने बैठते हुए बोली, सनिया का फ़ोन था, इसी हफ्ते पाकिस्तान आ रही है। अच्छा, उनका संजीदा चेहरा चमक उठा। कब? किस तारीख को? तारीख तो उसने नहीं बताई। अकेली आ रही है या खुरम साथ है? उफ, ये सब उसने मुझसे कब पूछा था? पता नहीं, कहना भी अजीब सा लगा। सच शुक्र है कि बरवक्त जवाब सूझ गया, बेटे के साथ, और ये वाकई चौंका देने वाला सरप्राइज था। अच्छा, तो मेरी बेटी बेटे की माँ बन गई है। आफंदी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सनिया के बाप लग रहे थे। उनके लहजे में हद दर्जे शफकत थी और चमकते हुए चेहरे पर खुशगवार एहसास के साथ आंखों से जाहिर हो रहा था, जैसे इस घर में बैठे सनिया के सारे माहो साल उनकी नज़रों से गुजर रहे हों। और ये फितरी सी बात थी, जो एक बाप ये सोच रहा था कि अभी कल ही उनकी बेटी इतनी सी थी और अब इतनी बड़ी हो गई कि उन्हें उनके माजी में छोड़कर चुपचाप अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में आ गई। अचानक मुझे अपना वजूद बहुत खाली खाली लगने लगा और बिल्कुल गैर इरादी तौर पे मैं अपना मवाजना सनिया के साथ करने लगी। जो ख्वाब उसने देखे थे उनके शर्मिंदा ताबीर होने पर वो खुश थी, और मैंने, मेरे ख्वाबों को भी तो ज़िंदगी मिली थी। फिर वो इजहार ना करे तब भी उसके वजूद से सिर्फ मोहब्बत का एहसास मिले। सही है, मैंने ऐसा ही तो चाहा था, लेकिन मैं ये कब जानती थी कि अपने वजूद से मोहब्बत का एहसास देने वाला मेरे वजूद को खाली छोड़ देगा? जैसा कि भाभी ने कहा था, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, ना मोहब्बत ना औलाद। और सिर्फ मोहब्बत के एहसास को पाकर तो मेरी ज़ात की तकमील नहीं हो सकती थी। जब ही गैर मामूली तहफ़ुज़ का एहसास बख्शने वाली आफंदी की पनागाह में छुपकर भी कभी कभी मुझे अपना आप महफूज नहीं लगता था।